पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। हमारा देश भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर मंथ कोई न कोई पर्व या त्योहार आने ही वाला है। जैसा कि अभी देख लीजिए ना, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, अभी लगातार जो है पर्व ही पर्व है। और दोस्तों, आप लोगों का कुछ स्पेशल डिमांड आ रहा था पूजा की सामग्री के ऊपर लेकर। तो वैसे तो मैं पूजा सामग्री का पहले वीडियो दे चुका हूँ जो कि दिल्ली के एक होलसेलर से लिया गया है, लेकिन आखिरकार वो होलसेलर जो है कहाँ से लेकर आते हैं। एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का तलाश करते करते आज हम राजस्थान आ पहुँचे हैं। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे, यहाँ पे इनका पूरा यूनिट है जो एक एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, पैक करते हैं, जैसे कि 27 कुआं का पानी, 13 कुआं का पानी वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ से जो है पूरे इंडिया के अंदर सेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, आज मैं आपको जो बिजनेस बताऊंगा वो दो तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। पहला कि आप जो है दुकान अपना खोल सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे आप सुपर होलसेलर बन सकते हैं, यानी कि आप दुकानों में दे सकते हैं, आप एक होलसेलर बनेंगे, आपको यहाँ पे इतने सस्ते रेट में मिलेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं अभी एक आइटम का रेट जानता हूँ, जैसे कि स्वागत का ये कुमकुम है, और यहाँ पे कुमकुम और चावल है दोनों एक साथ है, यहाँ पे एमआरपी जो है 5 रुपए है। लेकिन इसका एक्चुअल रेट जानते हैं क्या? ये मार्केट में 5 रुपए मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 रुपए मिलने वाला है। इस तरीके की पूरे कलावा मिल जाएगा आपको, जो कि अपने घर पे ही आप तैयार करके आप जो सेल कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट जो यहाँ पे मुझे लगा कि इनका कुछ ऑफर भी है, अगर आप सुपर होलसेलर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक गाड़ी का भी ऑफर मिलता है। आपको एक गाड़ी जो है लगभग फ्री दिया जाएगा, जो पहला किस्त होगा, जो फाइनेंस करने में चार्ज लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी किस्त बनेगा उसका 4 साल 5 साल का वो कंपनी देगी। तो चलिए थोड़ा सा जो है हम इनका गोदाम और फैक्ट्री विजिट करते हैं, फिर आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं यहाँ के शॉप के ओनर से। सनातन सेवा संस्था से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरीश उदासी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में अपने कीमती समय देने के लिए। सर, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपने संस्था के बारे में बताएं और क्या क्या आइटम जो है आपके पास मिल जाता है, एक लाइन में जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं। सनातन सेवा संस्थान में हम लोग पिछले 15 साल से पूजा सामग्री की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 100 से 125 तरह का आइटम हम अपने नाम से बनाते हैं, सनातन जो एक ट्रेडमार्क नाम है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है कि आप कैसे बिजनेस करेंगे, आपको फुल सपोर्ट करेंगे। चलिए हम सबसे पहले जो है प्राइस रेंज दिखाना शुरू करते हैं, ये कुमकुम से शुरू करते हैं, ठीक है? और ये सर हम बात करें तो एक पैकेट में कितना होता है? 100 पाउच एक पैकेट में आते हैं, और ये हम देते हैं 1 रुपए पर पीस के हिसाब से। इसमें कुमकुम और चावल, कुमकुम चावल के साथ, और इसमें जरी भी आती है। ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ हम ही ये काम करते हैं। ठीक है। चावल के साथ जब जरी तिलक पे लगता है तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत तिलक बनता है, बहुत अच्छा लगता है। कल ये भी कुमकुम है, 3 रुपए एमआरपी वाला कुमकुम है, जो लगभग 2 रुपए में बाजार में बिक जाता है, लेकिन हम आप इसको प्रोवाइड करवाते हैं 50 पैसे पर पीस के हिसाब से, यानी कि इसमें 100 पाउच आते हैं और 100 पाउच हम आपको देते हैं 50 रुपए में। इसके अलावा जैसे हमारे पास ये सनातन का ब्रांड नेम से आता है ट्रेडमार्क, 25 पाउच की पैकिंग आती है, ये 5 रुपए एमआरपी में बिकता है, और दुकानदार इसको 125 रुपए में बेच देता है, 5 रुपए पर पीस के हिसाब से 125 रुपए में बेचता है। ये हम 55 रुपए में आपको देते हैं। एक ये आता है सनातन की जगह, ये स्वागत हमारा नया एक दूसरा ब्रांड है, 7 रुपए एमआरपी का होता है, और 7 रुपए एमआरपी होता है, तो इसमें ये हम देते हैं 35 रुपए के 25 पाउच, लगभग 1 रुपए 40 पैसे का आता है, 1 रुपए 40 पैसे। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पैकिंग आ जाएगा, एक एक पैकिंग दिखाना संभव नहीं है। और ये 100 ग्राम कुमकुम है, चिपर पाउच होता है, इसमें 10 पीस होते हैं। ठीक है। इस तरह के 10 पीस होते हैं, और इसके साथ चावल भी मुफ्त आते हैं, फ्री आते हैं इसके साथ चावल। ओके। और इसका क्या रेट होगा? इसका रेट होता है 220 रुपए, यानी कि 22 रुपए का पर पीस,
और ये 50 रूपए में बिक जाता है। नवग्रह संहिता का बॉक्स है, नवग्रह संहिता का बॉक्स है, ये 10 रूपए पर पीस के हिसाब से हम देते हैं और ये 20 रूपए 30 रूपए 40 रूपए तक बिक जाता है पर पीस। ये 6 पीस का पैकेज, ये 20 रूपए 30 रूपए 40 रूपए अपने हिसाब से बिक जाता है, बिक जाता है। ठीक है, ये आ जाते हैं। ये केसर चंदन है, अश्वगंध भी बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया खुशबू वाला आइटम होता है, बहुत ही अच्छा आइटम होता है ये। ठीक है, और ये 120 रूपए में हम लोग पूरा डजन का पैकिंग देते हैं, यानी 10 रूपए पर पीस है। ठीक है, ये 10 रूपए पर पीस है और 35 रूपए इस पे एमआरपी, एमआरपी जो है वो 35 रूपीज है। ये 100 ग्राम की हवन सामग्री का ये पैकेट है और इसका रेट क्या है सर? इसका रेट है 80 रूपए का एक दर्जन, 80 रूपए का एक दर्जन, हाँ, लगभग 6.5-7 रूपए में पड़ता है, 6.5 रूपए के आसपास जो है लगभग रेट है इसका जी। और ये 20 रूपए में बिक जाता है, इसी में 200 ग्राम है ये। ठीक है, ये 200 ग्राम का पैकिंग है, ये 10 रूपए लगभग का पैकेट पड़ता है, 120 रूपए दर्जन। हाँ, तो 10 रूपए पैकेट है और इसका एमआरपी जो है वो 45 है। इसके बाद में ये 400 ग्राम का आता है और इस पे 80 रूपए एमआरपी है, ये 80 रूपए एमआरपी है। ठीक है, यहाँ पे 20 रूपए का। इसके बाद में ये छाने बनाते हैं हम, इसको कंडे बोलते हैं, हवन में काम आते हैं ये। ठीक है, ये हवन में प्योर देसी गाय के छाने हैं, ये कंडे बनाते हैं ये, और ये 6 रूपए का पीस होता है, 6 रूपए एमआरपी 25 रूपए है, लेकिन ये 15-20 रूपए में बिक जाता है। जो गांव में है ना, चाहे तो वो इस तरीके के पैकिंग कर सकते हैं। एक ये हवन संहिता, इसमें 1 किलो लकड़ी आती है, एक किलो लकड़ी आम की लकड़ी आती है, आम की लकड़ी, इसपे 60 रूपए एमआरपी है। ठीक, ये लगभग 20 रूपए में आपको मिल जाता है और ये उसमें हवन में काम आती है। कलरफुल है और ये इसको सतरंगी धागा बोलते हैं, ये भगवान के चढ़ाया जाता है, ये भी बहुत बिकता है, बहुत अच्छा आइटम है ये। ये 5 रूपए में हम लोग आपको देते हैं और ये 10 रूपए में आराम से बिक जाता है। ठीक है, हमारा जो मोली आता है कलावा जिसको बोलते हैं, वो नंबर से चलता है, तो यहाँ पे कम से कम कलावा कहीं आइटम आपको 10 से 12 मिल जाएंगे, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कलावा है कि मैं देख के बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 101। ठीक है, ये कितने का? ट्विस्टेड आता है, ये 28 रूपए का पैकेट आपको मिलता है और ये कहीं पे 5 रूपए पर पीस, कहीं 10 रूपए पर पीस के हिसाब से ये बिक जाता है। ठीक है, 28 रूपए के हिसाब से ये 2.80 रूपए आसपास पड़ने वाला जी, है। ठीक है, अब हम आगे 102 पे जी, 102 जी, ये 102 अब ये कलावा नंबर 102 है, यहाँ पे सबसे सीरियल नंबर है एक तरीके से, और इसका सर क्या होगा? ये 22 रूपए का पैकेट है, 22 रूपए का पैकेट है, यानी कि 2.20 रूपए पर पीस है। ठीक है, 5 रूपए में कहीं नहीं जाने वाला है, डबल से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है। और ठीक है, 103 नंबर, ये क्या सर, 102 103, ये क्वांटिटी बढ़ जाता है क्या? क्वांटिटी भी बढ़ जाता है और ऑर्डर देने में आपको इजी रहता है कि भाई 102 नंबर देना है, नहीं तो फिर कलावा में वो 12 पीस 10 पीस वाला ऐसा, बिल्कुल एक तरीके से मॉडल नंबर है, बिल्कुल। और ये 103 नंबर है, इसका क्या रेट होगा सर? ये 103 नंबर है, हम आपको देते हैं 35 रूपए में, 35 रूपए में 12 पीस है, तो ठीक है, ये लगभग जो है 3 रूपए के आसपास आपका लगने वाला है जी, और ये 10 रूपए में बिक जाता है। ठीक है, 10 में बिकता है। इसके बाद 104, यहाँ पे धागे का कलर ही चेंज है, डिजाइन ही चेंज है इस तरीके से। ये ट्विस्टेड मोली है, ट्विस्टेड मोली, और इसका क्या रेट होगा सर? ये 38 रूपए का पैकेट है, 38 रूपए का पैकेट है, तो ये भी 3.10 रूपए के आसपास पड़ने वाला, क्योंकि 12 पीस का है। और ये 105 नंबर, 105 नंबर, ठीक है, और ये पर पीस क्या है सर? ये 32 रूपए का एक पैकेट आता है, एक पैकेट में 5 पीस आते हैं। ओके, 32 रूपए का 5 पीस, तो यानी कि 6 रूपए के आसपास जो आपका पड़ने वाला है, 6.10-15 रूपए। ठीक है, और ये 20 रूपए में आपका सेल होने वाला है। ये 111 नंबर हमारा मोली आता है, इसमें 48 पीस आते हैं, 5 रूपए में बिक्री में है ये। ठीक है, और 240 रूपए आपके बनते हैं और हम आपको देते हैं 120 रूपए में, 120 रूपए में। ठीक है, तो वीडियो खत्म हो जाएगी सिर्फ कलावा दिखाने में, यहाँ पे आपको कलावा और ये सिंदूर, ये सब के इतने आइटम हैं कि पूछो मत आप बस। ठीक है, और ये 1 केजी में है ना? ठीक है, 1 केजी का, मैं केजी का हिसाब बता देता हूँ आपको, 1 केजी का क्या पड़ने वाला है? 200 रूपए किलो, 200 रूपए केजी आपका लगने वाला है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कुछ अलग अलग आइटम पे। ठीक है, जैसे कि ये पाउचेज होते हैं, छोटे पाउचेज होते हैं, आपके आपके हिसाब से कस्टमाइज पाउचेज हैं ये। ठीक है, हालांकि आप चाहे तो इस तरह का पाउच जो है आप बना सकते हैं घर पे, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। ये भी कम से कम 50 तरह के पाउच हम बनाते हैं, 50 तरह के अलग 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 अलग, देखिए जैसे जौ हो गए, यहाँ पे ये मुरमुरा हो गया, और ये धनिया हो गया, ये जो सरसों हो गए, तो ये सब जो पूजा के आइटम में यूज होता है, तो इसमें हम अगर बात करें तो ये कितने पैसे है वैसे सर? ये
25 रुपए के 100 पाउच है। 25 रुपए यानी 25 पैसे कोई भी आइटम सर। जी जी। 6 कलर रंगोली। रंगोली ठीक है, इसमें क्या खास बात है सर? ये 6 कलर रंगोली है और इसमें स्पार्कल रंगोली बोलते हैं हम इसको, इसमें गिल्टर भी डालते हैं, जरी डालते हैं। ओके। तो बहुत ही अच्छा कलर लगता है इसमें। 200 ग्राम पर पीस के हिसाब से 1 किलो 200 ग्राम का ये रंगोली पैक है। आपको कुछ दिख रहा होगा, हालांकि सील पैक है ये रंगोली जो है। अब हमारे गांव में जो है बालू होते हैं, बालू के कण उस तरीके का कलर में होता है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, इस तरीके से है ना। थोड़ा पैकेट की सेल ये होता है 50 रूपए 55 रूपए 60 रूपए का। 50-55 में आप सेल कर सकते हैं, हालांकि इसका MRP मैं दिखाऊं तो 120 रूपए है। कुओं का पानी ठीक है, ये कहाँ जरूरत पड़ता है? ये अपने भारतीय संस्कृति में जब ये हवन पूजन ग्रह नक्षत्र में कोई बच्चा अगर हो जाता है तो उसमें ये काम आता है पंडित। बहुत मुश्किल हो जाता है सब खोलना। ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं। 27 कुओं का 50 रूपए पर बोतल, 100 रूपए का एक बॉक्स होता है ये पूरा डजन, एक दर्जन है 100 रूपए का। आपको तो यहाँ पे जो लगभग है 8 रूपए के आसपास जो लगने वाला है ठीक है। और ये सेल इसका 50 रूपीज MRP है, लेकिन अगर आप 30 रूपीज में भी सेल करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे सोच सकते हैं कितना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। गंगा जल है, अब हम गंगा जल का रेट देख लेते हैं ठीक है। ये इसका क्या रेट है सर? ये 13 कुआ है, ये भी एक ही रेट है, वही रेट चलता है 100 रूपए के 12 है, 8 रूपए पर पीस लगभग लगने वाला है, 120 रूपए का 12 पीस है ठीक है। और 100 ग्राम का ये पैकेट है सर? जी 100 ग्राम का। इसमें ये गौमूत्र आता है, ये गौमूत्र है जी। प्राइस सेम ही रहेगा? प्राइस सेम ही है इसका, 20 रूपीज प्राइस है और ये भी लगभग 8 रूपए के आसपास लगने वाला है। इसमें एक ये छोटा पीस आता है। अच्छा छोटा पीस है, ये गौमूत्र है ठीक है। ये कितने का सर? ये गौमूत्र हम आपको देते हैं 60 रूपए में 20 पीस। 60 रूपए में 20 पीस यानी 3 रूपए पर पीस है ठीक है। 10 रूपए आप इजिली बेच सकते हैं इसे जी ठीक है। और इसमें भी गंगा जल आता है छोटा छोटा, ये भी सेम प्राइस है, ये सेम प्राइस है। तो 3 रूपए पर पीस अभी आपको ये सेम लगने वाला। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये शहद, 25 ग्राम शहद पूजा में बहुत काम आता है, भगवान के भोग लगता है ठीक है। और ये कितने का सर? ये हम देते हैं मात्र 7 रूपए पर पीस। 7 रूपए पर पीस और इसका MRP 18 रूपए रहता है। 18 रूपए ठीक है। और इसे जो है आप इजिली कम से कम 15 रूपए में जो आराम से बेच सकते हैं इसे। इसके अलावा ये जनेऊ रहता है, जनेऊ बिल्कुल जी भगवान के चढ़ता है गणेश जी, अभी गणेश जी के खूब चढ़ता है ये जनेऊ, गणेश जी को बहुत अच्छा लगता है, ये खूब सारी वैरायटी होती है ठीक है। और जो हिंदू घर में जन्म लेते हैं तो शादी के समय जो है जनेऊ का एक रिवाज जरूरी है, रिवाज है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, तो ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। और इसका क्या कैसे हिसाब पड़ता है पर पीस? ये पर पीस है, जैसे पर पीस 1 रूपए का पड़ता है, इसमें 20 जनेऊ है, ये 20 रूपए का, 20 रूपए का देते हैं, 20 पीस है इसमें 1 रूपए का पड़ने वाला है, ये 5 रूपए में बिक जाता है, 5 रूपए में इजी बेच सकते हैं ठीक है। और इसी तरीके से ये भी है उसी तरीके से, इसका भी रेट सेम है, इसका रेट थोड़ा ज्यादा है लेकिन बिकता ये भी 5 रूपए में, 5 रूपए में ही है। और इसका रेट क्या है सर? ये लगभग 1.25 रूपए का पड़ता है, 1 रूपए 25 पैसे के आसपास पड़ने वाला है ठीक है। इसका क्वालिटी काफी बिल्ड है, ये अच्छा है। यहाँ पे वो खास आइटम है जो स्पेशल पूजा के समय, नवरात्रि के समय लिया जाता है, छठ पूजा के समय लिया जाता है, लक्ष्मी पूजा के समय लिया जाता है, जैसे कि पूरा पूजा सामग्री का जो है पूरा सेट। तो हम इस सेट वाली का यहाँ पे लगभग जो है आपको कम से कम जो है 20 क्वालिटी के 20 डिजाइन के कम से कम मिलेंगे। उसका मैं आपको रेट बता दूं, जैसे कि ये मान लेते हैं ठीक है, ये कितने का सर? ये पूजा सामग्री आती है, दीपावली में काम आता है ये ठीक है। और ये हम आपको 18 रूपए में देते हैं, 18 रूपए में देते हैं ठीक है। मैं आपको एक बार झलक दिखा दूं कि यहाँ पे किस तरह, इस तरह का फोटो भी आपको साथ में मिले। कितने में सेल होता ये है सर? 30 रूपए से 40 रूपए के बीच सेल हो जाता है, 30 से 40 का सेल होता है। इससे बड़ा पैकेट है, बड़ा पैकेट है ठीक है। ये कितने का सर? ये 28 रूपए का पैकेट है, 28 रूपए का है। इसमें आपको जो है क्वालिटी बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे आइटम है, मैं आपको एक एक चीज नहीं बता रहा हूँ, कैसे तस्वीर मिल जाता है 28 रूपए का। और ये लगभग जो है मेरे अनुमान की 50 रूपए का सेल जो है मार्केट में इजी हो जाएगा आपका। इसके बाद एक ये आता है ठीक है, ये 50 रूपए का पीस है, लक्ष्मी स्पेशल पूजन सामग्री, पहले पैकेट देखो ठीक है, पैकेट ही इसका काफी प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं इस तरह से पूजा ठीक है। ओके, और इसके अंदर पूरी विधि आती है ठीक है, लक्ष्मी जी का फोटो आता है गोल्डन कलर का ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है काफी अच्छा क्वालिटी में फोटो मिल जाता है, ये देखिए अब ये उससे बड़ा जाता है जी, सनातन पूजा सामग्री ठीक है। ये हम लोग 12 महीने बेचते हैं, 12 महीने बिकता है हमारा ये ठीक है। ये कितने का सर? ये 80 रूपए का, 80 रूपए का। देखिए अब जो वहाँ पे आपने छोटे छोटे साइज में देखा था वो अब आपको यहाँ पे बड़े बड़े साइज में मिल जाते हैं, 80 रूपए का है। आप इसे इजिली 200 रूपए में सेल कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से।
ठीक है, हालांकि इस पे 501 रुपया जो है एमआरपी है, लेकिन मैं एमआरपी पे नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको जो है क्या क्या है इसके अंदर मिल जाता है, सारे आइटम लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, हमारा प्रीमियम आइटम है। प्रीमियम जी। अब ये देखिए माता का सामग्री, पूजा का सामग्री जो है ये बड़ा है, प्रीमियम क्वालिटी में है। हालांकि इसका एमआरपी जो है 451 रुपए है। अब देख लो यहाँ पे जो है पीछे जितने भी आइटम है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आगे वाले और आगे वाले मिल जाएंगे। ये देखिए ये जो लक्ष्मी जी के पैर चरण चरण पादुक चरण मिल जाते हैं। ये सिक्का जी, श्री यंत्र, श्री यंत्र, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष कोटी, लक्ष्मी जी की कोटी बहुत अच्छी प्यारी उनको बहुत। ओके, तो देखिए यहाँ पे ना सभी आइटम आपको मिल जाएंगे और एक माता का फोटो भी मिल जाता है। और इसका रेट क्या है सर? इसका रेट है 170 रुपए। 170 रुपए। देखिए अगर भैया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है सेल होने वाला यही आइटम होता है। इससे आता है सुपर प्रीमियम क्वालिटी जो की सबसे हाई प्राइस। इसके अंदर जो है आपको तांबे का कलश भी मिल जाता है, यानी इसमें अंदर बहुत सारे और भी इंक्लूड है। ये न्यू पूजा में काम आता है, न्यू पूजा में। जैसे आदमी अगर नया मकान बनाता है तो उसके लिए जो पहले न्यू में जो डाला जाता है वो उसके लिए, चांदी का नाग नागिन, कछुआ, मछली, तांबे का लोटा, गंगा जल, गोमूत्र सब इसमें आते हैं। ठीक है, और ये कितने का सर? ये 150 रुपए का। 150 रुपए का है। और ये 300 रुपए में 400 रुपए में बिक जाता है। ओके, थाली, पूजा की थाली, पूजा की थाली ये लेडीज में बहुत प्रिय है। ये बहुत बहुत आइटम ये हमेशा शॉर्ट रहता है हमारे। बिल्कुल, ये जो है ना एक तरह से थाली है, इसमें कोई भी आइटम जो है अलग से एक्स्ट्रा लेने की जरूरत। दीपक है सर इसमें? जी दीपक है, अगरबत्ती स्टैंड है और कुमकुम डालने के लिए कटोरी है, कहीं और उसके अलावा कम से कम 20-30 आइटम है जो पूजा में काम आते हैं। कुमकुम, रोली, कपूर। कितने का सर ये? 110 रुपए का है होलसेल प्राइस। 110 रुपए का है। माता लक्ष्मी जी का चालीसा है, यहाँ पे लक्ष्मी जी का फोटो है, पूजा करने का पूरा विधि कहिए लिस्ट है। 110 ना जी, 110 रुपए में ये इस पैकिंग में आता है। इस तरह के पैकिंग में आएगा, पैकिंग भी काफी प्रीमियम क्वालिटी में है इसका। ठीक है, और इसको इजी आप जो है 200 में सेल कर सकते हैं और प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जो मैंने आपको बड़े में दिखाया है, यहाँ पे देखिये यहाँ पे आपको छोटे में भी मिल जाता है। जैसे की ये देखिये, ये भी पूजा सामग्री है ना सर? जी, ये छोटा पूजा सामग्री होता है। ये हमारा खूब ज्यादा, ये 1000 कट्टे बेचते हैं, 500 कट्टे बेचते हैं। ओके, और ये इसका प्राइस 7 रुपए के लगभग से शुरू होता है। ये 7 रुपए का पर पीस है। 7 रुपए का, देखिए यहाँ पे इस आराम से ये 15 रुपए में बिक जाता है। ठीक है, और इसके ज्यादा ये 2 नंबर आता है, ये 10 रुपए का पीस है। 10 रुपए का ये, और इसके पीछे आरती आगे छिपा हुआ होता है और पीछे ये माता जी का फोटो रहता है। ठीक है, इसे आप इजी 20 रुपए में बेच सकते हैं, बाकी 30 रुपए में भी सेल हो सकता है। ये एक इसी में 13 रुपए का होता है। 13 रुपए का, ठीक है। इसके पीछे भी वही माता जी और आरती वगैरह रहता है अंदर। ठीक है जी। इसके बाद में एक ये रहता है, ये 18 रुपए का लग रहता है। अंदर जो है क्वांटिटी बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। सब कुछ का जो है साइज बढ़ जाता है। और इसके बाद में ये फुल साइज का बड़ा होता है ये। ठीक है, 21 रुपए का प्राइस रहता है ये फुल साइज का। ठीक है, माता जी का। देखिए लक्ष्मी पूजा आने वाला है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये सेम है सर? जी सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, ये नवग्रह संहिता आता है हमारा सिंगल पाउच। ये नवग्रह संहिता है, इसमें 9 प्रकार की लकड़ी आती है। ठीक है जी, ये 15 रुपए का पर पीस है और ये लगभग 50 रुपए 40 रुपए में बिक जाता है। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कपूर का आइटम। ठीक है, और देखिए ये जो एक पीस है कपूर का वो मार्केट में जो है 4 से 5 रुपए में सेल होता है। ठीक है, और इसमें 100 पीस होते हैं और हम आपको 150 रुपए में देते हैं, तो यहाँ पे आपको 1.5 रुपए पड़ने वाला है। 100 पहुँचाते हैं और 70 रुपए में आपको देते हैं। 70 रुपए, 100 पीस आते हैं, 70 रुपए में देते हैं। ठीक है, तो 70 पैसे है ना? हाँ, 70 पैसे का पड़ता है और 2 रुपए में भी बिकता है। 2 रुपए में आप इसे सेल कर सकते हैं। ये भी 2 रुपए में बिकता है और ये 65 रुपए का आपके मिलता है। 65 रुपए का, तो 65 पैसे है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रुई के ऊपर। जो रुई का पैकिंग है वो इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे आपको केजी के हिसाब से मिलेगा। जी, हम लोग 1 किलो के हिसाब से देते हैं और ये 1 किलो हम आपको देते हैं 300 रुपए, 320 रुपए, 340 रुपए, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेंज के हिसाब से। ठीक है, तो शुरू कितने से सर? ये 320 रुपए किलो से शुरू होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सर 1 किलो में ये कितना पीस चढ़ सकता है? 1 किलो में लगभग 5 ग्राम 6 ग्राम रुई की बत्ती डालते हैं एक में। ये लंबी रुई बत्ती आता है। ठीक है, लंबी रुई, जैसे ये चाहे तो ये जो है इस तरीके से भी लेके और खुद इसका भी प्राइस वही रहता है 320 रुपए लगभग किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब, तो मैं आपको यहाँ पे केजी बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे सामान हमारे पास रहते हैं, जैसे कपड़ा भी होता है, 1 मीटर पीस में कपड़ा आता है, जैसे ये लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा आता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इत्र वगैरह बहुत सारे रहते हैं हमारे पास। ओके, और भी जड़ी बूटियां वगैरह बहुत सारी रहती है। मुझे ना कॉन्सेप्ट समझा है, जैसे की
आपने बताया था दो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई पहली बार बिजनेस कर रहा है 50,000 लाख रुपए का माल ले रहा है और वो अपना दुकान जो है शुरू कर सकता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर मुझसे 3 लाख रुपए का माल लेता है तो मैं उसे एक गाड़ी जो है फ्री देने वाला हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा समझाएं। उसका प्रोसीजर हम ऐसा रहता है कि जैसे भारत में इतने बेरोजगार हैं, हम लोगों ने ये सोचा कि भाई लोगों को कम पैसे में कम पूंजी में व्यापार किया जाए, करवाया जाए, तो उसमें हम लोगों ने एक स्कीम बनाया है कि भाई 3 लाख रुपए आप लोग अगर हमारे को देते हो तो हम आपको एक लोडिंग वाहन देते हैं, 4 पहिए का वाहन, जैसे टाटा एस की तरह जो वाहन आता है, मारुति सुजुकी का हम वो वाहन देते हैं आपको, मैं मतलब टोटल 1,40,000 का माल भर के देते हैं आपको, वाहन का पूरा कमरा बना रहता है, पूरी बॉडी बनी रहती है, उस बॉडी में हम आपको 1,40,000 का माल भर के, वो वाहन जो रहता है पूरा लोडिंग जो रहता है वो सब आपके नाम रहता है, इंश्योरेंस आरटीओ वगैरह सब आपके नाम रहता है, और उसके मालिक आप रहते हैं, वो सब आप ही के पास 24 घंटे रहता है, कंपनी का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहता है, लेकिन उसकी जो किस्त आती है वो कंपनी भरती है, सनातन सेवा संस्थान उसकी किस्त भरती है, ठीक है। हम लोग आपको किस्त का भी नहीं सोचना है, आपको तो सिर्फ माल बेचना है, ठीक है। आप सर बताएं, आप किस्त पे करेंगे तो किस बिहार पे, क्या एक टारगेट है कोई किस्त पे करने? हमने आज तक का जो हमारे पास जो हमारी गाड़ियां चल रही है उसके डाटा के हिसाब से हमने जो हमारे पास जो डाटा है वो गाड़ी एवरेज 10,000 रुपए पर डे का माल बेचती है, ठीक है, ठीक है। उसमें 30-40% का, 25-30% का, 30% का लगभग उसमें आपको मुनाफा होता है, होलसेलिंग करते हुए होलसेल रेट पे आपको 30% का मुनाफा होता है, तो एवरेज 3,000 रुपए रोज आप कमाते हैं। अगर उसमें से 1,000-1,200-1,500 रुपए खर्च भी निकाल दिया जाए, जैसे ड्राइवर का, डीजल का, मान लीजिए छोटा मोटा और खर्च निकाल दिया जाए 1,000-1,200-1,500 रुपए, तो भी 1,500 से 2,000 रुपए आप डेली के उसमें कमा सकते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए लगा करके आप 50 से 60 हजार रुपए महीना आराम से इजी वे में कमा सकते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से मैं आपको अपनी तरीके से समझाता हूँ, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, पहला तो आप जो है काम शुरू करना चाहते हैं, आपको रेट सेम लगने वाला है, चाहे वो सुपर होलसेलर हो या कोई दुकानदार हो, रेट यही लगने वाला आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा बिग स्किल बड़े लेवल पे करना तो आपके लिए यहाँ पे एक ऑफर मिलता है, आपको यहाँ पे 3 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, पे करने के बाद जो 1,40,000 रुपए का आपको सामान मिलेगा, 1,60,000 रुपए आपकी गाड़ी में खर्च होंगे जो कि फाइनेंस करवाने में लगेंगे, कैश देने में लगेंगे, उसके बॉडी बनाने में लगेंगे, टोटल जो है 1,60,000 रुपए फर्स्ट बार जो है आपका लगेगा, आपको जो है एक छोटा हाथी गाड़ी मिल जाएगा जो कि मारुति मॉडल का होगा। उसके बाद जो है उसके 3-4 साल जो किस्त भरेंगे 10,000-12,000 जो किस्त आएंगे, गाड़ी का जो लगभग अमाउंट है 5 लाख के आसपास है पूरा किस्त लग के, वो कंपनी पे करेगी 10,000-12,000 पर मंथ पे करेगी, अब 3-4 साल कंपनी पे करेगी, क्यों पे करेगी, जब कंपनी का प्रॉफिट करेंगे तभी तो पे करेगी, कोई भी कंपनी फ्री में कुछ भी नहीं देता है, अगर आप उनके साथ जुड़े रहते हैं तो ये जो है ऑफर आपके लिए, आपको पर मंथ जो है 1,50,000 रुपए का माल लेना है, सेल करना है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक बार खरीद लिया और अगले महीने से आपने पे नहीं किया, आपने नहीं खरीदा तो वो जो है कंपनी आपका इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगी, फिर वो जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आने वाला है। उस गाड़ी से आप क्या करें वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस बिजनेस को करने के लिए लीजिएगा तो सारा सामान है गाड़ी में रखिए और अपना एक एरिया बनाइए कि मैं एक जिले को पकड़ता हूँ, एक जिले में कवर करता हूँ, माल जो है दुकान दुकान प्रोवाइड करता हूँ, तो ये जो है आइडिया आपको एक अच्छे लंबे समय तक ले जा सकता है और इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इस लाइन में जो है थोड़ा सा कंपटीटर जो होते हैं वो कम होते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, और इनके पास कुछ डिस्काउंट का ऑफर भी आते रहता है समय समय पे, जैसे कि कभी 2% डिस्काउंट मिल जाता है, कभी 5% मिल जाता है, और आप सामान खरीदते हैं ज्यादा से ज्यादा तो ये जो है कैटेगरी डिपेंड करते हैं, इनका जो पूरा टीम है वो कैटेगरी डिपेंड करते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, Class 1, Class 2, Class 3, तो जैसे आपका क्लास बढ़ेगा उस रेंज में आपको जो उतना परसेंट डिस्काउंट का ऑफर मिल जाएगा। अगर आपके शॉप पे कोई विजिट करना चाहता है फैक्ट्री में, एक बार जो है आप एड्रेस समझाएं कि वो किस तरीके से आ सकते हैं। हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ब्यावर, जिसका पिन कोड नंबर मैं आपको बता दूं 305901, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रेलवे स्टेशन पे आके हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, हमारा आदमी आपको पिक करने। तो एक सबसे बड़ी समस्या आता है कि यार मैं जाऊंगा अनजान शहर में कहाँ रहने, आपको टेंशन नहीं लेना है इस बात का, सब कुछ अरेंज करवा देंगे, इनके कंपनी के पास में होटल है जो कि मात्र 300 रुपए हमको 24 आवर्स रहने की व्यवस्था देता है, तो 300 रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप बात कीजिए ना, और इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आपके एक शेयर से किसका जिंदगी बदल सकता है, ये किसी के घर को जो है उज्जवल कर सकता है।
दीजिए मोनू सिंह को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदुस्तान।